बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि बस में सवार सभी लोग जब बस चल देती है तो रास्ते में पड़ने वाले एक एक पेड़ का इंतज़ार रहता था कि कब ना उस पेड़ से बस टकरा जाए। तो सबको यही लगता था कि अब पेड़ आ रहा है तो बस जो है पेड़ किसी तरह से निकल जाए और बस आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर बस जो है एक पेड़ के निकल जाने के बाद झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी, अर्थात उसमें तैरेगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब संयोग। तो यहाँ पर बस के जो हिस्सेदार थे, कंपनी के हिस्सेदार, वे ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि बस बहुत पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है और उसकी कंडीशन इस तरह की नहीं है कि उसे जो है चलाया जाए। और वो जो है बस अब खाली पूजा के योग्य थी, उसकी केवल पूजा ही की जा सकती थी। तो वो कहते हैं कि यह तो इत्तेफाक है, अर्थात संयोग है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी, क्षीण चांदनी कहते हैं कम रोशनी में। क्षीण चांदनी कम रोशनी में, क्षीण चांदनी कम रोशनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। लद कर मतलब उसके ऊपर बैठ कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत तो हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो कम रोशनी में रात का समय था और वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बूढ़ी स्त्री एक पेड़ के पास जाकर बैठ गई हो, वैसे ही उस कम रोशनी वाली जगह पर ये बस खड़ी थी, क्योंकि वो जो है अचानक रुक गई और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चली नहीं। तो इस तरह से हमें ग्लानी हो रही थी कि हम बेचारी पर लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब प्राणों का अंत, अर्थात मृत्यु। यहाँ पर प्राणांत, न को हम लोग बिंदु लगाएंगे, प्राणों का अंत, तो ग्लानी का अर्थ होता है स्वयं पर शर्म महसूस होना। ग्लानी स्वयं पर शर्म महसूस होना। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानी हो रही थी, बहुत शर्म आ रही थी अपने ऊपर कि बेचारी पर लद कर, यानी कि बैठ कर इतने सारे लोग उस पे चल रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, अर्थात ये बस हमेशा के लिए जो है ख़राब हो गई, इसका प्राणांत हो गया
तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान कहते हैं जंगल में, बियाबान जंगल में, और अंत्येष्टि कहते हैं मृत्यु के बाद किए जाने वाले क्रियाकर्म। अंत्येष्टि मृत्यु के बाद किए जाने वाले क्रियाकर्म। तो इस तरह से यहाँ पर इसे दाह कर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे दाह का अर्थ होता है जलाना, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब हिस्सेदार साहब जो है वो इंजन खोले और कुछ सुधारे, बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यहाँ पे ज्योति कहते हैं रोशनी को। ज्योति रोशनी, धीरे धीरे जो है वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी और चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो यहाँ पर हिस्सेदार साहब जब इंजन खोले और उसे कुछ सुधारे तो बस आगे चले और उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा यानी कि उस बस की जर्जर अवस्था को देखकर, जिस तरह से वृद्धावस्था में शरीर जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और हाथ पैर सही सलामत ढंग से काम नहीं करते हैं और आँखों से भी कम दिखाई देने लगता है, तो धीरे धीरे वो वृद्धा की तरह ही जो है उसकी आँखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अनुमान लगाकर वह चल रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि बहुत तेज़ी के साथ हम दौड़े भागे। तो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ना भागना वो नहीं करना चाहती थी, अर्थात वृद्धावस्था में लोग धीरे धीरे संभल के किनारे किनारे चलते हैं और उसी तरह से ये बस भी बहुत संभल संभल कर किनारे किनारे चल रही थी, धीरे धीरे रुक रुक कर। तो वो जो है कोई दूसरी गाड़ी आती थी तो दूसरी गाड़ी तो बहुत तेज़ी से निकलती थी, इसलिए जो है वो किनारे खड़ी हो जाती थी कि कहीं उससे टकरा न जाए। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया यानी पुल, यहाँ पर किनारे जो है एक पुलिया थी और उस पर जो है एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। तो मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कंपनी के हिस्सेदार थे वे जो है जानते थे कि ये बस जो है ख़राब स्थिति में है, इसके पहिए जो है ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर भी वो जो है जान हथेली पर लेकर ये बस चला रहे हैं। तो यहाँ पर अगर स्पीड में बस होती तो बहुत
जो है वो पास के नाले में जाकर गिर जाती। और अब यहाँ पर जो कंपनी के हिस्सेदार हैं वो उत्सर्ग की ऐसी भावना जो उनके अंदर है वह दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब त्याग। उत्सर्ग का अर्थ है त्याग। तो उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है यानी कठिन है। दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनता से पाना। तो त्याग की ऐसी भावना जो है वो दुर्लभ है, कठिन है। तो यहाँ पर कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो सब कुछ जानते हुए भी, उस बस की दयनीय हालत से परिचित होते हुए भी वे उसे चला रहे थे। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी कि इस आदमी के साहस और बलिदान, अगर बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो उसमें वो शहीद भी हो सकते थे, उनके प्राणों का बलिदान भी हो सकता था। और लेकिन इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो इस तरह से कंपनी के हिस्सेदार को जो है ये कहा गया कि अगर बस नाले में गिर पड़ती और सब मर जाते तो देवता भी इसका यही कहकर स्वागत करते कि एक टायर के लिए बेचारे ने प्राण दे दिया। तो बाहें पसारे मतलब स्वागत करने को तैयार। यहाँ पे बाहें पसारे का अर्थ है स्वागत करने को तैयार। बाहें पसारे स्वागत करने को तैयार। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कंपनी के हिस्सेदार अपने प्राणों की भी जो है आहुति देने के लिए तैयार थे। और वो जो है इसीलिए ऐसे बस को चला रहे थे जबकि वो बस चलाने की हालत में नहीं थी। तो अब यहाँ पर दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ पर कहीं भी और कभी भी जो है उम्मीद, एक तो पहले पन्ना पहुंचना था उसकी उम्मीद छोड़ दी, और पन्ना कभी भी जो है पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी कि हो सकता है देर से पहुँचे, तो देर से पहुंचने की भी उम्मीद हमने छोड़ दी। अब जो है अब ये हालत हो गई है उसकी कि अब पन्ना क्या, कहीं भी और कभी भी हम पहुंच पाएंगे, ये भी उम्मीद छूट गई। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण कर जाना मतलब चले जाना। प्रयाण कर जाना, प्रयाण चले जाना। प्रयाण चले जाना। तो अब जो है इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। और इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की छत की तरह बैठ गए, घर की तरह बैठ गए, और चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक जो है ये देख रहा है कि कंपनी के हिस्सेदार भी उसी में बैठे हुए हैं और वो भी जो है अपनी जान की परवाह किए बिना। तो अब लेखक कहते हैं
कि अब तो कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छूट गई थी, इसलिए जो है वो बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ जाते हैं और चिंता चली जाती है, क्योंकि अब पता है कि जहाँ भी ले जाएगी, जब भी ले जाएगी, पहुँचा जाएगा और इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। और हमारी बेताबी, बेताबी यानी व्याकुलता, बेताबी कहते हैं व्याकुलता को। तो हमारी बेताबी अर्थात व्याकुलता को, तनाव को, ये सभी जो है व्याकुलता, तनाव, ये सब खत्म हो गए थे और अब जो है सभी लोग बहुत ही इत्मीनान से हो गए और चिंता भी दूर हो गई और हंसी मजाक फिर से चालू हो गया, समय बिताना शुरू कर दिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से बस की यात्रा के माध्यम से आज की अर्थव्यवस्था, जर्जर हालत, परिवहन निगम के जो ये बसें हैं तो ये सब की हालत बहुत ख़राब है और इससे जो है इसी की ओर संकेत किया है कि ऐसी जर्जर हालत में भी बसें चल रही हैं, जो कि हमारे साथ साथ हमारे पर्यावरण में भी बहुत जो है प्रभाव डालती हैं और यातायात की जो दुर्व्यवस्था है उसकी ओर बहुत संकेत मिलता है। और इसमें जो है एक पुरानी बस की हालत जो है हालत को हास्यपूर्ण तरीके से लेखक ने पहुंचाने की जो है मेहनत की है, परिश्रम की है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। और इस पाठ में कई जगह रोचक प्रसंग भी आते हैं और जिसमें कि बस जो है वो जब खड़ी रहती है तो लेखक को लगता है कि ये बस चलती भी है। कंपनी के हिस्सेदार कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, चलती है अभी चलेगी, तो वो लेखक सोचते हैं कि लगता है कि इसे धक्का देना पड़ेगा, तो बिना धक्का दिए चलती है, तो इस तरह से वो सोचते हैं कि ये बस अपने से चलेगी। यानी कभी कभी होता है ना कि गाड़ी बंद हो जाती है तो उसे धक्का देना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि वही तो हम भी देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है यह। तो हिस्सेदार साहब कहते हैं कि हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इतनी ख़राब परिस्थिति में, इतनी ख़राब स्थिति में जो है बस चलेगी। और अब वो जो लेखक आगे पीछे करने लगे अर्थात सोचने लगे कि जाया जाए या ना जाया जाए। और फिर डॉक्टर मित्र ने उनको तैयार किया कि डरो मत, ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है और इसीलिए जो है इस पर चलना ठीक है। तो अब जो है जो छोड़ने आए थे वो लोग भी ऐसे देख रहे थे जैसे कि ये हमारी अंतिम यात्रा हो और इसके बाद पता नहीं क्या होगा, व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा और क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया था और जैसे सारी बस ही इंजन है, इतनी तेज उसमें आवाज़ हो रही थी, लेखक को लग रहा था कि हम बस के अंदर बैठे हैं या बस हमारे ऊपर बैठी है। तो उसके कांच भी बहुत कम थे, जो बचे थे उनमें उनसे जो है उसमें बैठे हुए लोगों को बचना था। तो इस तरह से ये बस जो है वो सच में चल पड़ती है और गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह उसके शीशे सभी जो है एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, जो सीट थी वो भी जो है उखड़ी हुई थी और बहुत इंजन के चलने से, बस स्टार्ट होने से बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो रहा था और सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर कहीं और निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। तो 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अब यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस तरह से बस की
जो स्थिति थी वो जो है बहुत दयनीय थी, और इसीलिए उसके लिए वृद्धा का प्रयोग किया गया है कि वो केवल जो है श्रद्धा के काबिल है। हमें इसकी खाली पूजा करनी चाहिए और इस पर कोई कैसे सवार हो सकता है। तो इस तरह से जो है, और उस बस में जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है रास्ते में, तो पेट्रोल भी ऐसे भरा जाता है बाल्टी में पाइप लगाकर, और जैसे कि छोटे बच्चे को बॉटल से दूध पिलाया जाता है, वैसे ही बस की जो है पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो दृश्य हैं वो बहुत ही सुंदर और हास्यास्पद भी हैं, उन्हें पढ़कर बहुत हंसी भी आती है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ को, बस की यात्रा पाठ को पूरा पढ़ लिया है। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।